नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। और ये देखिए दोस्तों, यह जो भी सीरीज चल रही है, इसमें एक प्रश्न होता है शॉर्ट जीके टेस्ट में, और एक प्रश्न में आपको बहुत सारे व्याख्या के साथ उसका उत्तर दे दिया जाता है, जिसमें कई सारे प्रश्नों का समावेश होता है। यह जो शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, आरओआरओ के लिए, जीएससी, पीजीटी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह तीन ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो प्रियदर्शिका के लेखक जो है वह हर्षवर्धन है, विकल्प ए, सम्राट हर्षवर्धन ही प्रियदर्शिका के लेखक है। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का लेखन किया है। आगे देखते हैं, और प्रियदर्शिका जो है यह नाटक है, नागानंद रत्नावली भी नाटक है। तो यहाँ देखिएगा, यह राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक नाटक है। यह राजा उद्यन और प्रियदर्शिका के मिलन की कहानी पर आधारित है। यह जो प्रियदर्शिका नाटक है, इसमें राजा उद्यन और प्रियदर्शिका, उनकी प्रेमिका के मिलन की कहानी पर आधारित है प्रियदर्शिका नाटक। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो सम्राट हर्षवर्धन थे, वह 606 से 600 ईस्वी तक, 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित भी लिखा था, तो ये ध्यान रखिएगा। और चीनी यात्री हैनसांग जो था, वह हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। बाणभट्ट जो थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हरचरित्र इन्होंने लिखा था। शूद्रक भी इन्हीं के काल में थे, जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था, मृच्छकटिकम। फिर कालिदास भी इनके काल में रहे हैं, और कालिदास इनके काल में नहीं रहे हैं, लेकिन कालिदास से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेघदूतम, अभियान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास की प्रमुख रचनाएँ हैं। और कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।